महाराज जी की स्पीच में था ना कि श्रद्धा नहीं भी हो और आते रहो, और बहुत सारी चीजें जैसे आप और से बोलते हैं कि ये नाम अपराध होता है, सो रहे हो सत्संग, ऐसे जब शुरू में नहीं पता होता है और जब गलती करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? नहीं, गलती तब तक तो क्षमा, मतलब तब तक आप कह सकते हो कि हमें पता नहीं था, जब तक महापुरुष के संपर्क में आए नहीं। महापुरुष के संपर्क में आने के बाद तो पता ही चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि क्या नाम अपराध है, क्या गलत है क्या सही है, किसको नहीं पता है। और फिर भी तुम लोग नाम अपराध जान जान के करते हैं ना, कि जान जान के अपराध कोई करेगा वो कैसे क्षमा हो जाएगा और क्यों क्षमा हो जाएगा? ये एक्सक्यूज है कि हमें पता नहीं था। सबको सब पता है, इतना तो सब जानते हैं, चाहे वो किसी मजहब के हो, किसी देश के हो, कोई भी हो, महापुरुष के संपर्क में है या नहीं है, डिटेल नहीं पता उन्हें नामा अपराध क्या होता है, इतना तो पता है उनको कि क्या सही और क्या गलत है। Who does not know what is wrong and what is right? Who does not know that lying is a bad thing? Who does not know disrespect, being disrespectful to any respectful person is wrong? There's many things, you know, we know already that what is right and what is wrong. But the very minute things, abstruse things, they are told by Sri Maharaji. Many devotees on this earth, they are really devotees, but they don't even know the name of Namaprad. They never heard about the word Namaprad. But you, all of you, are the luckiest person on this earth who know a lot. And even then, if you do mistakes, then it's our carelessness, and we have to undergo the punishment for that.